शांति। मेरा शरीर का नाम प्रताप सिंह है, बीके प्रताप सिंह। इस समय मेरी एज 65 चल रही है। जब मैं 15 साल का था तो इस ईश्वरी ज्ञान के बारे में मालूम चला। मेरे से बड़े भाई गोपी सिंह जी हैं, तो वो इस ज्ञान में आते थे और एक बार हम उनको मिलने के लिए आए कि आप कौन सी लाइन में, आप तो भगत बन गए, ये अच्छा नहीं है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो उसके दौरान क्या हुआ, जलंधर के अंदर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई थी। ये 1973 की बात है और उस प्रदर्शनी में मुझे किसी ने बताया, यानी प्रदर्शनी के दौरान सारे चित्रों पर समझाया कि अब ये सृष्टि कलयुग का विनाश होने वाला है 76 के अंदर। और उसके बाद बहुत सुंदर सृष्टि आने वाली है। और मुझे वो बात विनाश की बात अपील कर गई। फिर मुझे गोपी भाई जी ने एक पुस्तक दी थी, उस पुस्तक का नाम है जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। वो पुस्तक मैंने पढ़ी, उसको पढ़ते पढ़ते इतना आनंद आया। तो मैं और मुझे साथ ही विनाश का साक्षात्कार भी हुआ, एक कलयुग दुनिया का कैसे विनाश होने वाला है, एटम बम चल रहे आदि आदि, विनाश बहुत भयंकर। उसके बाद मुझे रात को नींद भी नहीं आती, तो मैंने सुबह सुबह 4 बजे उठ के, कई बार तो सारी रात मैंने बैठे रहना। और मुझे राजयोग का किसी ने अभी लेसन नहीं कराया था, मुझे किसी ने कोई लेसन अगर नहीं दिया था तो मैं ऐसे ही बैठता था रात, जैसे बुद्धि को ऊपर ले जाना, बाबा की याद में, परमात्मा की याद में। तो सारे कहते हैं आपके घर में सारी रात जो लाइट जल रही है सब ठीक तो है, ऐसा। उसके बाद फिर मैं इस ज्ञान की पढ़ाई में लग गया। और मैं जो है उसके बाद कारोबार भी करता था कुछ ना कुछ लाइफ में, तो मैं अगरबत्तियां सप्लाई करता था और जिस भी मार्केट में मैंने जाना सभी को ये मैसेज देना है कि ये कलयुग खत्म होने वाला है, सत्युग आने वाला है। बहुत सब लोगों को, लोग मेरे से कई प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, मैं सबका, किसी ने कहा आपके ऊपर ब्रह्मा कुमारियों ने जादू कर दिया है, तो मैं उनको जवाब देता अगर जादू करते तो सबसे पहले जो भारत के जो प्रधानमंत्री उसमें इंदिरा गांधी थी उनके ऊपर जादू करते, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसा जो है ना, और मुझे इस ज्ञान के अंदर इतना सुख मिला, इतना प्यार मिला, मैं कहता हूँ लौकिक माँ बाप से भी वो प्यार नहीं मिला। इस लाइन में मैं सोचता हूँ कि मैं तो चलने वाला नहीं था, ये बाबा की कमाल थी कि मुझे इस लाइन पर। फिर मैंने सब लोगों को, एक आशा बहन जी, बिरजुन भाई जी ने जो कोर्स, पनिश कोर्स गॉडली नॉलेज एंड राजयोग का निकाला हुआ था, तो वो मैं सब लोगों को लगाता था, सबको ज्ञान देने। और उन्होंने मुझे इस दौरान, उन्होंने उस समय बोला
कि भारत में किसी ने भी इतने ज्यादा नहीं लगाए, आपने लगाए हैं तो मेरे को उन्होंने प्राइज भी दिया था। तो इस अनुसार जो है इस ज्ञान के अंदर तो मैं होशियारपुर भी रहा, फिर होशियारपुर से जलंधर में भी सेवाएं की, होशियारपुर में की, फिर वहां से 84 के अंदर जब पंजाब में फुल फोर्स का उग्रवाद का टाइम था, तो उस समय में गुराए में राज भंजन ने कहा कि गुराए में आप जाओ इंदिरा बहन जी के साथ वहां सेवा करो। तो फुल फोर्स बाहर कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता था, तो वहां से फिर बहन जी के साथ, इंदिरा बहन जी के साथ एक दो भाई और थे, हमने वहां प्रदर्शनी लगाई, एक छोटा सा सेट किराए पर ले लिया। तो वहां पर जो है इतनी अच्छी जैसे प्रदर्शनी लगाई, सब लोगों को बोला कि यहाँ पर कोर्स कराया जाएगा। फिर एक अनुभव ये है कि कोई नहीं आया दो दिन, फिर बहन जी थे इंदिरा बहन जी, तो हमने प्लान बनाया कि यहाँ पर जो है सब लोगों को सुबह सुबह वाइब्रेशन दो मेडिटेशन में बैठ करके। तो हमने सुबह सुबह अमृत वेले सब लोगों को वाइब्रेशन दिया, तो इतनी सुबह होते ही 8 बजे से लोग आने शुरू हुए, और फिर इतने लोग आए 1 महीने तक लगातार सारा एक दिन हमने सुबह का नाश्ता किया वहां, रात को 8 बजे तक लोग आते रहे, और 1 महीने के अंदर ही वहां सेंटर स्थापित हो गया। कुछ नहीं बोला कि देखो नहीं ये हमारी जमीन है, और आज वहां बहुत बड़ा सेंटर है। उसके बाद हमने गुराया से दसुआ, और 36 साल से मैं पठानकोट के अंदर हूँ, तो यहाँ पर क्या अनुभव हुआ, कैसे लोगों को मेडिटेशन कराना है, ये मैं आम मेडिटेशन जो है वो बहने कराते थे, उन ज्ञान सुनाते थे। तो एक दिन एक आर्मी का, मुझे नहीं मालूम है कि आर्मी का कर्नल है, तो वो आए, तो जैसे मैं स्टेज पर बैठा, किसने मेरे को प्रेरित किया कि आप सामने आ बैठो, और कमेंट्री के द्वारा उनको मेडिटेशन कराया। उस आत्मा को इतना अच्छा बाबा ने अनुभव कराया, तो जैसे ही वो उठे, ये आपने जो बोला ये मुझे सारा लिख करके दो, और उसके बाद इस विद्यालय के रेगुलर स्टूडेंट बन गए। फिर वो ट्रांसफर भी हो गए, उनको मुरली भेजते रहे, तो अभी वो देहरादून के मुख्य भाई 87 की बात है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का हमने ये देखा कि कोर्स कराते थे तो मेडिटेशन के द्वारा, कमेंट्री के द्वारा उनको ऐसा सुंदर अनुभव। तो ये विशेष अनुभव ये है कि राजयोग के द्वारा जिनको हम ज्ञान कराते हैं उनको राजयोग से उनके लाइफ में बहुत जल्दी चेंजिंग आती है। इस अनुसार से जो है पठानकोट के अंदर भी बहुत सारी ऐसे सेवाएं कर रहे हैं, तो ये अनुभव है। और हम पब्लिक को यही कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति आया, उनको कोर्स कराया, मेडिटेशन कराया, बहुत गुस्सा करता था, और जैसे उनको मेडिटेशन का कोर्स कराया, मेडिटेशन का अभ्यास कराया, तो वो कहता है कि मेरा गुस्सा बिल्कुल खत्म हो गया है, मेरी लाइफ के अंदर चेंजिंग आ गई। कई ऐसे बहुत सारे नशा करने वाले लोग आए, उनको ये जो आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का अभ्यास कराया, उनका जीवन ऐसे बदल गया। तो मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो राजयोग सिखाया जाता है, जो यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान है, इसमें जीवन को परिवर्तन करने वाला है, सुख में जीवन बनाने वाला है। ओम शांति शांति।